हाँ तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक नई नवेली दुल्हन, नहीं एक नए नवेले वीडियो के साथ मैं फिर से आ गया हूँ, जिसका आपको बहुत ही देरी से वेट था। तो यार आज के इस वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं, जो कि है खाना। हाँ मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, तो सबसे पहले हम खाना खाने वाले हैं और खाना खाने के बाद हम ट्रोल करने वाले हैं मेरे भाई को। वेट ए सेकेंड, मैं तो भूल गया था कि मैं अभी तक बकरी बना पड़ा हूँ। तो यार सबसे पहले मैं अपने ओरिजिनल रूप के अंदर आ जाता हूँ। ओके गाइस तो फाइनली अब मजा आएगा ना। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि मुझे खाना खाना है और खाना खाने के बाद जाना है। नहीं यार ये तो बहुत ही अलग बात हो गई। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले मेरे भाई को ट्रोल, और ट्रोल करने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा तरकीबें सोच के रखी है। तो गाइस मेरा भाई अभी तक गेम के अंदर नहीं आया, इसका मतलब बस ये हुआ कि मुझे मेरे भाई का वेट करना पड़ेगा, जिसको करते करते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। नहीं मैं बकरी बना हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर बकरी मेरा भाई या फिर मेरा रिश्तेदार हो। मेरा भाई अभी तक गेम के अंदर नहीं आया, वो आने वाला है, तो यार मुझे उसका वेट करना पड़ेगा। हाँ तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई को ट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मोरफिन यंत्र। हाँ यार मुझे कोई नाम याद नहीं है, तो यार इसीलिए मैंने इसका नाम यही रख दिया। वैसे वाला नाम परी यंत्र से तो अच्छा ही है। तो यार इस वाले यंत्र की मदद से मैं किसी भी प्राणी के अंदर बदल सकता हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि वैसी की वैसी रहेगी। इसका मतलब बस यही हुआ कि मेरी बुद्धि सिटी के दिमाग की जितनी ही रहेगी। तो चलो गाइस मेरे भाई का वेट करते है। मैं जिंदगी में और कर ही कह सकता हूँ, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो यार वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब मार दो। ठीक है गाइस, तो मेरे भाई के पावन शरण मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर पड़ चुके हैं, लेकिन यार ये इतने दूर पड़े हैं कि मुझे उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा। वो तो अच्छा है कि मेरे पास मेरी सुपर फास्ट बाइक धन्नो है, जो कि एक ही सेकंड के अंदर 100 की स्पीड पे पहुंच जाती है। अगर उसको पहुंचना हो तो वनो तीर में कितनी भी मेहनत कर लूं, ये अपनी जगह से हिलती भी नहीं। ओके तो मेरी धन्नो आज मेरा भाई आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि मेरे भाई के सामने तू मेरी नाक मत कटवाना, क्योंकि यार उसके सामने मेरी नाक इतनी बार कट के उग चुकी है कि फिर से मैं कटवाना नहीं चाहता। वैसे कट भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसकी नाक मुझसे बार कटी है। ओ माय गॉड टू लव, मेरे माइनक्राफ्ट के अंदर वो भी गाड़ी के अंदर एक कौन आया, मतलब यार इतना बड़ा अंबानी बत्ती मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में कैसे आ गया? क्या ये तो मेरा नुबड़ा भाई है जो कि प्रो बन के आया है अभी। यार नहीं तू ये मत कह देना कि तू मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर कोई बैंक लूट के आया है। लेकिन गाइस सच में अगर इसकी लग्जरी कार को मेरी गाड़ी धन्नो से कंपैरिजन किया जाए, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी घासलेट में चलने वाली गाड़ी इसके बराबर में कभी नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी अगर हमने कंपैरिजन कर दिया तो यार इस वाली कार के साथ मेरा भाई बहुत ही ज्यादा अमीर लग रहा है। इसका मतलब बस यही हुआ कि मैं मेरे ही माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा गरीब हूँ, यहाँ तक तो यार विलेजर से भी ज्यादा गरीब हूँ। और गाइस ये वाली गाड़ी अंदर से दिखने में बहुत ही ज्यादा औसम लग रही है, मतलब यार इस वाली गाड़ी को देखते ही मुझे इसको चलाने का मन हो रहा है। अभी यार तू जल्दी से नीचे उतर, तुझे इस वाली गाड़ी को चलाने का कोई हक नहीं है। अरे यार देख तो सही, तू इसे चला के आया है, इसी वजह से ये वाली गाड़ी भी तुझे देख के शर्मा रही है। ओके तो गाइस मेरा भाई यहाँ पे मुझे कह रहा है कि मैं उसको उसके घर पर ड्रॉप कर दूं, यानी कि ये वाली गाड़ी को मैं उसके घर तक चला सकता हूँ, मतलब यार बहुत ही मजा आने वाला है आज तो। गाइस लिटरली मुझे एक बहुत ही बड़ी आइडिया है कि मैं मेरे भाई को किक मार दूं और इस वाली गाड़ी को लेके कहीं पे फरार हो जाऊं। ओके गाइस तो कई दिनों के बाद मैं मेरे भाई के घर के अंदर आ चुका हूँ, मतलब यार लिटरली इस वाले घर के अंदर आए हुए मुझे बहुत ही ज्यादा दिन हो गए हैं। और यहाँ पे मेरा भाई मुझे बता रहा है कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ तब मेरा भाई अकेला इस वाले वर्ल्ड के अंदर खेलता है, इसका मतलब समझ रहे हो ये माशी यहाँ पे मौज करते और मैं वहाँ पे जाके अपनी घिसाता हूँ। ओके तो मेरा भाई मुझे कह रहा है कि उसने मेरे लिए एक गिफ्ट रखा है जो कि इस वाले चेस्ट के अंदर है। तो यार देखते उड़ी बाबा, नहीं हो सकता, 35 डायमंड्स वो भी मेरे लिए, ये जरूर सपना है क्योंकि 35 डायमंड्स मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर खुद के लिए जमा नहीं किए। नहीं गाइस ये सपना नहीं है, क्योंकि अभी मैंने अपने पैंट के अंदर सुसु कर लिया और सुसु करने के बाद मैं अभी तक नहीं उठा, इसका मतलब बस ये हुआ कि ये सपना नहीं है। वेट ए सेकंड, ये कभी नहीं हो सकता, मतलब यार मेरा भाई मुझे 35 डायमंड्स दे, ये कभी नहीं हो सकता। दया कुछ तो गड़बड़ है दया, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा भाई मुझे कोई सीक्रेट चीज दिखाने के लिए ले जा रहा है, जो कि मुझे सीक्रेट नहीं लगती क्योंकि उसने आज तक मेरे से कोई सीक्रेट रखा ही नहीं, और रखना चाहा फिर भी मैंने उसको ढूंढ लिया, क्योंकि गाइस यू नो आई एम बहुत ही ज्यादा मास्टरमाइंड बंदा, तो यार मुझसे कोई सीक्रेट बात रहती नहीं। ओके तो ये वाली बात मुझे कुछ कुछ सीक्रेट जैसी लग रही है, क्योंकि इस वाली जगह को मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है तो मेरा भाई मुझे कह रहा है कि यहाँ पे जो सेस्ट है उसको जाके मैं देखूँ, तो यार हट तो सही फिर जाके देखूंगा ना। पर देवा उठा ले रे बाबा, ए राजू मार रहे मुझको मार रहे। ए माँ माता जी, इसको देखने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? अब मुझे मेरी दृष्टि की कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरी आंखों को बच्चों को कंसा कहने के लिए दान कर दूंगा। ओके तो ये कस्सा भाई होने के नाते मेरा भाई आगे बढ़े ऐसा मैं होने नहीं दे सकता, क्योंकि यार मैं उसका भाई हूँ,
इसलिए मुझे उसके बीच में तो आना ही पड़ेगा। तो यार मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा कुंभकर्ण का भाई यहाँ पे सोने के लिए जा रहा है और इसके पीछे अगर हम नगारे बजाए या फिर ढोल बजाए ये उठने वाला नहीं है और इसी नींद का फायदा उठाते हुए मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। हाँ तो गाइस सबसे पहले हम पिगू को मार डालेंगे जो कि मेरे भाई का पालतू पिग है। मतलब यार उसने इसका नाम पिगू रखा। पिग और पिगू में क्या फर्क है यार, इसको पिगी बुला लेते। वैसे भी हमारा पिगू एक साल से शौक में डूबा हुआ है क्योंकि एक साल पहले मैंने उसका गाजर का हलवा खा लिया था। अभी तक वो शौक से बाहर नहीं आ पाया इसलिए मैंने उसको शौक से मुक्ति दे दी। ओके गाइस, तो मेरे भाई के डायमंड्स को सॉरी करने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा जादू मंत्र का उच्चारण, जिसे करने के लिए मुझे महेंद्र बाहुबली को बुलाना पड़ेगा। तो ना भूत से ना सुडल से, हम तो डरते थे स्कूल की बेल से। ये बाहुबली शक्ति देख खरी, मुझे एक पिक के अंदर बदल दे। वाओ गाइस, तो मैं यहाँ पे फाइनली पिक के अंदर बदल चुका हूँ जो कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता यार। पिक बनना किसको पसंद होगा, आई थिंक उसको छोड़ के। गाइस थोड़े दिनों से मैं बहुत ही ज्यादा रास्ते से भटक जा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अब से मुझे जीपीएस ऑन करके ही वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मिशन स्टार्ट हो गया है और मेरा भाई दरवाजा खुला रख के सोमू की तरह सोया हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं मुद भी गया ना फिर भी उठने वाला नहीं है क्योंकि ये कुंभकर्ण का भाई है। ओके गाइस, तो यहाँ पे दरवाजा है और इसको खोलने के बाद मैं डायमंड को लेके घर पे चला जाऊंगा। लेकिन यार मुझे यहाँ पे बहुत ही जोर की भूख लगी है। मैं कचरे को देखता हूँ फिर भी मुझे खाना दिखता है उसके अंदर। आई थिंक ये पिक बनने की वजह से हो रहा है। मुझे जल्दी से डायमंड्स को सॉरी करना पड़ेगा और इस वाले अवतार से मेरे अवतार में वापस आना पड़ेगा। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मैं जरूर से कचरे को खा ही लूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फंस चुका हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ। मुझे कल से डाइटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यार रुको, मैं तो आज के लिए पीक बनाऊँ तो यार मुझे डाइटिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस मेरे बहुत ही ज्यादा कमजोर, मेरा मतलब बहुत ही तेज दिमाग की वजह से यहाँ पे मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन सबसे पहले मुझे इस वाले डायमंड्स को छुपाना पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर सीबीआई की रेड हो गई तो मैं गया काम से। तो यार इस वाले डायमंड्स को मैं भी ना ढूंढ पाऊँ ऐसी जगह पे मुझे छुपाना पड़ेगा क्योंकि इसको मेरे भाई ने देख लिया तो यार मुझे जिंदा जला देगा, वो भी बिना आग के। हाँ तो गाइस, जैसे कि आपने सुना मेरे भाई के डायमंड सॉरी हो गए और किसने सॉरी किया वो अभी तक पता नहीं चला। अगर वो सॉरी करने वाला मुझे मिल गया ना तो यार उसको मार मार के मैं धो डालूंगा। तो यार इसी बात पे आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको। तो गाइस मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू लेटर।